हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। मेरे साथ एक और प्रतियोगी छात्र हैं, आपकी आने वाली भावी शिक्षक बनेंगे, ये मतलब आने वाली शिक्षक भर्ती के एक प्रतियोगी छात्र वैभव श्रीवास्तव, जिनका अब तक का एक्सपीरियंस आप सब जानेंगे कि कैसे मेहनत करके इन्होंने जूनियर स्तर यूपी टेट में 137 नंबर अर्जित किए जूनियर लेवल पर, जिसका पेपर आउट होने का चांस एकदम ना के बराबर था। हालांकि कहेंगे रिपीटेड पेपर था, लेकिन तैयारी तो आदमी की अपनी रहती है ना। और प्राइमरी में था 120, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस हिसाब से इन्होंने काफ़ी अच्छा अंक जो है अर्जित किया है। अब चलिए इनसे इनका पहले शैक्षिक बैकग्राउंड पूछते हैं, प्रिपरेशन का मेथड पूछते हैं कि कैसे एक प्रतियोगी छात्र शहर में रह करके बाहर रह करके तैयारी करता है। तो कैसा मतलब अनुभव रहा, क्या मतलब चीज़ें कहाँ आपको कठिन लगी यूपी टेट? सर, यूपी टेट में थोड़ा वाइज प्रॉब्लम होती थी सीडीपी में। अच्छा, सीडीपी में? चलिए, सीडीपी में तो मैथ और वो इंग्लिश, तो हम चूँकि क्या नाम है यही माँ वैष्णो खरवई में, माँ वैष्णो में इंटर डिग्री कॉलेज में कुछ पढ़ाते हैं। अच्छा, डिग्री कॉलेज में आप कार्यरत हैं, चलिए बहुत बढ़िया। डिग्री कॉलेज खरवई में हम खुद बी टी सी डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, डी एल एड वालों मैथ और इंग्लिश। यूपी टेट ये पहली बार में स्कोर है, इसके पहले पास कर? नहीं सर, पहली बार लिए थे। अच्छा, पहली बार लिए थे, बहुत बढ़िया। थोड़ा तेज बोलिए, वहाँ पे कैच करें। मैथ और इंग्लिश तो पहले से ही तैयार था, दिक्कत तो जो प्रॉब्लम हो रही थी ये सीडीपी में हो रही, चाइल्ड डेवलपमेंट में। अच्छा, चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या परिभाषा, कथन वगैरह जल्दी याद होते? कथन वगैरह याद होते थे, लेकिन कौन से कथन किसके हैं, कौन सा स्टेटमेंट किसका है, यही थोड़ा भूल जाता था, कंफ्यूजन हो जाता था। हाँ, ये भूल जाता था कौन किसका है। खैर, बहुत अच्छा जो है नंबर आपका रहा, बढ़िया। मतलब जूनियर एडेड वैकेंसी के लिए भी आगे मुझे लगता है कि ये वाली जूनियर एडेड वैकेंसी जहाँ तक है कि मुश्किल में पड़ जाएगी। जूनियर एडेड वाला पेपर दिया था आपने? नहीं सर, सबका तब वहाँ हम लोग किस ईयर का आपका है बी एड या बी टी सी? जो बी एड हमारा सर 2014 का है। तो उसके बाद टेट क्यों नहीं दिया, टेट या सीटेट? एक्चुअली सर वो हमारी मार्कशीट का कोर्स फंस गई थी। अच्छा अच्छा, तो डायरेक्ट एडमिशन की वजह से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्लियर नहीं थे। मैनेजमेंट कॉलेज में मैं डायरेक्ट एडमिशन हुआ था, लिया था, तो उस समय मामला जो है कोर्ट में चला गया था, रिजल्ट नहीं दे पाए थे। पढ़ाई वगैरह की क्या स्थिति, मतलब कितना पढ़ते थे इसके लिए? सर काफ़ी, इसके लिए लगभग हम 6 से 7 घंटे कॉलेज से आने के बाद 6 से 7 घंटे तक कॉलेज में। कितना मतलब कितना घंटे लेते थे, जैसे वर्किंग पेपर हो गया? कॉलेज में तो नहीं पढ़ पाते थे। मतलब कॉलेज में कितना टाइम आपका लग जाता था कॉलेज वालों के लिए, मतलब काम के लिए कितना? 5 घंटे काम करने के बाद 5 घंटे वर्क करना पड़ता था कॉलेज में, उसके बाद आ करके पढ़ाई पे ध्यान देते थे। मतलब 5 घंटे कॉलेज में देने के बाद भी 6-7 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल लेते थे। बढ़िया। घर पे कौन कौन है? मम्मी है, पापा हैं, सिस्टर हैं। हाँ, तो मतलब अपना कन्वीनियंस आप खुद ही देख लेते हैं शिक्षा का, या घर से कोई सपोर्ट करता है फाइनेंशियली या जो? नहीं, सपोर्ट आवश्यकता ही नहीं पड़ती, हम खुद देख लेते हैं। कब से, मतलब लगभग कब से? ये तो सर हम 2005 से कर रहे हैं। 2005 से? 2004 में मैंने इंटर किया था, उसके बाद से 2005 से मैं पढ़ा रहा हूँ। सेल्फ डिपेंड हो गया, मतलब कोचिंग वगैरह से? अच्छा, इसके बाद आगे क्या मतलब प्लान है सुपर टेट में, सबसे मतलब कैसे क्या तैयारी रहनी चाहिए आपकी, आपके हिसाब से क्या लगता है? सुपर टेट हमारे हिसाब से तो यही है कि क्या नाम है, निकलेगा तो है ही, प्लस आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो काफ़ी अच्छा स्कोर होगा, ऐसा नहीं है। नोट्स वगैरह पढ़ा था? बढ़िया जी सर, आपके नोट्स सब पढ़े थे, बहुत काफ़ी क्वेश्चन हमको वहाँ से मिले थे, काफ़ी क्या लगभग 90% क्वेश्चन हमें आपके नोट से मिले थे। अब प्लस चूँकि जो पुराना पेपर था प्राइमरी में, तो 90% पुराने पेपर नहीं, नहीं जूनियर में 90% था, प्राइमरी में 40-45% 50% था, बाकी काफ़ी क्वेश्चन सेम थे। खैर, इंग्लिश लिया था या सबसे? नहीं, इंग्लिश लिया था। इंग्लिश लिया था, चलिए बहुत बढ़िया। सबसे ज़्यादा मतलब किस में आया, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश या साइंस? सबसे ज़्यादा हिंदी में ज़्यादा हुआ है और इंग्लिश में हुआ है। अच्छा, जो विषय कमज़ोर रहता है उसे कैसे तैयार करते हैं? सर उसको जो है काफ़ी उसमें जो है उसको, उसके लिए हमें 2-3 बार जैसे जो विषय हमारा स्ट्रांग है उसके लिए हम उनको हम एक बार देख लिए, और जो थोड़ा
वीक है उसके लिए दो बार तीन बार वीडियो देखनी पड़ती है, जैसे आप वीडियो देखने के बाद फिर चीज़ें पॉइंट नोट बनानी पड़ती है और उसको नोट्स को भी देखना पड़ता है। तो जैसे आपका एक लेक्चर का वीडियो मान लीजिए 4-5 मिनट का है तो उसको दो बार तीन बार देखना पड़ता है, ये बात जो थोड़ा सा वीक है जो अब चूँकि CDP हमने कभी पढ़ा नहीं था तो इसलिए है। और चलिए ये बढ़िया रहा कुल मिलाकर के आपने जो है ये किया, तो आगे और भी कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं लाइक TGT PGT वनडे एग्जाम में भी TGT मैथ से देते हैं, PGT इकोनॉमिक्स से है और GLT भी मैथ से ही है। आपके नेचर से लग रहा है कि बड़ा आप गंभीर हैं, फिल्म वेल में देखते हैं? नहीं नहीं मूवी वगैरह कभी मूवी थिएटर में कोई मूवी देख? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अरे मूवी वगैरह हम नहीं देखते, मैं इसके लिए कोई मतलब जब खाली टाइम होते हैं कभी टाइम पास करने का मन करता है तो क्या करते हैं? बस कभी टाइम पास करने का मन होता है जैसे आपका वीडियो देख रहे हैं पढ़ रहे हैं तो उसी में थोड़ा सा थोड़ी देर आप पढ़ते पढ़ते मान लीजिए काफ़ी देर पढ़ लिए थोड़ा सा चेंज कर दिए कोई दो चार दिन दूसरे वीडियो देख लिया कॉमेडी वगैरह, हाँ दूसरा वीडियो देख लिया फिर उसके बाद आ जाते हैं। और कोई मतलब बहुत ज़्यादा बाहर घूमना टहलना? नहीं बाहर क्या, विद्यालय में 4-5 घंटे वर्क किए विद्यालय से आए फिर अपने घर पर जो है पढ़ाई वगैरह क्योंकि वैकेंसी आ ही रही है। घर में कोई पहले से सरकारी नौकरी में? हाँ मम्मी भी है हमारे से ऑलरेडी पंजाब में है। अच्छा अच्छा तो सिस्टर हमारी 72,000 में जो है 72,000 जो बीएड में 2011 वैकेंसी में 2015 पहला TET हुआ था जब, हाँ हाँ उसमें ऑलरेडी जो है उन्होंने 72,825 हाँ वो ऑलरेडी। चलिए बहुत बढ़िया, तब तो बड़ा मोटिवेशन मिलता होगा आगे आगे मतलब जो है टीचर ही बनना है या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में? नहीं नहीं टीचर ही बनना है और कोई डिपार्टमेंट, क्योंकि टीचिंग में आप लगे हुए हैं? हाँ 2005 से टीचिंग में लगे हुए हैं तो टीचर ही बनना है। अच्छा आगे कुछ बच्चों को कहेंगे कि अगर इतना हाई स्कोर लाना हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होगी? अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो है खुद की मेहनत, हाँ सेल्फ हार्ड वर्क, ठीक है कितना आप मेहनत कर सकते हैं, ईमानदारी से आप कितना पढ़ाई कर सकते हैं, ये नहीं कि घर वालों को दिखाने के लिए या किसी बस किताब लेके बैठना और पढ़ के समझना, ईमानदारी से आप कितना पढ़ाई कर सकते हैं, बेस आपका कितना मजबूत है, ठीक है हमने देखा है सबसे ज़्यादा दिक्कत मैथ में होती है, मैथ में बहुत जो हमारे चैनल के दर्शक हैं हाउस वाइफ वगैरह गणित गणित का जो है बता सकते हैं मैथ में बहुत ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है तो चूँकि वो ये रीज़न होता है सबसे ज़्यादा मैथ में फेल होने का या बैक लग जाने का मैथ में बार बार, क्योंकि हम भी पढ़ाते हैं DELED में। अच्छा और अगर 50 बच्चे हैं हमारे कॉलेज में तो उसमें जो है काफ़ी बच्चों का बैक लग जाता है अक्सर, गणित में कमज़ोर होते हैं अक्सर, क्योंकि बेस उनका नहीं कमज़ोर होता, बेस उनका मजबूत नहीं होता, ठीक है ज़्यादातर लड़कियाँ 8th के बाद या 10th के बाद मैथ छोड़े रहती हैं, वहीं से जो है उनका मैथ वीक होता है और है और वहीं से जो है अब तो कैसे मजबूत करें गणित को? सबसे पहले तो बेस को मजबूत करना पड़ेगा ना, बेस मतलब कक्षा 6 बेस मजबूत है, हाँ कक्षा 6-7-8 की किताबों से जो है गणित लगाना, हाँ जो SC RT की किताबें हैं उनको कक्षा 6-7-8 की अगर आप पढ़ना चाहते हैं वाकई में तो संख्या पद्धति वगैरह जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसमें सारे बेसिक्स आपको SC ERT जो मतलब जो है प्राइमरी स्कूल में चलती है जो ये जूनियर वाले में चलती है 6-7-8 ये सरकारी किताबों के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चे करते क्या है यही कंपटीशन जैसे जिस जिस जिसका भी एग्जाम दे रहे हैं वही इसकी सीरीज वगैरह खरीद करके वो चीज़ पढ़ते हैं, हाँ मूल किताबों को नहीं छूते हैं, बेस उनका मजबूत होता नहीं है, वो DELED की कोई सीरीज ले लिए BEd की कोई सीरीज ले लिए उसी से अपना जो क्वेश्चन है उसे पढ़ लिए, ना तो खुद की तैयारी नहीं करते हैं उसी से अपना, हाँ तो जिनका गणित कमज़ोर है वो समय रहते जो है CERT की किताबों से जो है गणित को बेसिक से मजबूत कर सकते हैं। और बाकी हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव जी का जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी शांत स्वभाव के हैं, बहुत मतलब गंभीर व्यक्ति हैं, देख लीजिए एक अध्यापक बनने के लिए कुछ इस तरह की गंभीरता और इस तरह का जो है चिंतन बहुत ज़रूरी होता है। मैं अक्सर देखता हूँ कि छात्र कुछ गंभीर नहीं होते, लाइव चैट में अक्सर इधर उधर की बातें करने लगते हैं, कभी आपने मतलब इस इन सब चीज़ों पर फोकस किया कि किसी के वीडियो पर जाकर के इधर उधर का कमेंट करने की कोशिश? नहीं नहीं ये सब काम नहीं करते, थोड़ा देखते ज़रूर हैं कि लोग क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं, जैसे अभी किसी शायद आपके एग्जाम पूर्वा एग्जाम मास्टर वाले चैनल पर या किसी चैनल पर कोई सर पढ़ा रहे थे वो जिसमें दिवस पूछा जाता है दिन, किसी ने चैट कर दिया था एक ही दिन सब मना लीजिए, ठीक है तो इस टाइप के जो है कुछ लोग मजाक करते रहते हैं, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कैसे मतलब
ऑनलाइन कंटेंट में क्या लगता है आपको मदद मिल पाती है एग्जाम क्वालिफाई करने लायक का मोटिवेशन, मतलब कंटेंट के साथ मोटिवेशन पूरा 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 मदद मिलती है क्या मतलब? की अपेक्षा बुक्स में और ऑनलाइन में अगर आप यूट्यूब देखते हैं उससे बुक्स में आप बोर हो जाएंगे। हाँ कंटेंट काफी निचोड़ के आपको मिलता है, मतलब काफी फिल्टर्ड मिलता है बुक्स में। आप डायरेक्ट टीचर से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो काफी मदद मिलती है। बुक्स से बच्चा जो है थोड़ा सा उसमें बोर भी होता है और वीडियो के माध्यम से तो काफी अच्छा रहता है। डायरेक्ट सामने टीचर पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप कमेंट में बॉक्स में लिख करके आप जो है तुरंत पूछ सकते हैं। चलिए वैभव जी बहुत बढ़िया रहा, आगे कुछ अगर आप छात्रों से कहना चाहें तो जरूर। बस यही कि मेहनत करें, अगर वैकेंसी आती है अब देखिए, वैकेंसी तो आना निश्चित है, नहीं कितनी आती है बस कितनी आती है ये निश्चित है। हाँ ये तो सरकार 17,000, 51,000 या 97,000 तीनों की चर्चा है, 17 आती है कि 51 आती है, 97 आती है, ठीक है जिस हिसाब से अब गवर्नमेंट चाहेगी उसी प्रकार से निकालेगी। आप तैयारी करें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, रेगुलरिटी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आने के लिए और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। आगे ऐसे ही जो है हम चाहेंगे कि आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं और आप इसी तरह सफल होकर के आगे फिर से जब एक बार मैं अगली बार मिलूं आपसे तो आप शिक्षक पद पर तैनात होकर के कहें कि हाँ सर पिछली बार बैठा था तो टेट पास था, अब की बार आपके साथ बैठ रहा हूँ शिक्षक बन करके, तो ये बड़ा प्राउड वाला मोमेंट रहेगा। सभी दर्शक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आगे आपको इसी तरह मेधावी छात्रों की बातें और उनका मोटिवेशन हम देते रहेंगे। Thank you so much.